बेल्जियम में एक महिला थी जो अपने हेडफोन ब्लूटूथ हेडफोन में गाना सुन रही थी। गाना सुनते सुनते वो हेडफोन जो है ब्लास्ट हो गया, तो महिला की जो है एक कान जो है खराब हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आपके ब्लूटूथ हेडफोन के साथ। सो आप ब्लूटूथ हेडफोन खरीदने के सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, या फिर आपके पास ब्लूटूथ हेडफोन है फिर भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए। जो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को मज़ा आएगा। चलिए तो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको जो है ऑनलाइन मार्केट में ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों में ही मिल जाएंगे कुछ ऐसे हेडफोन जिसके कोई नाम बाम नहीं है, या फिर नाम है कुछ अजीब वगरीब कि लसन मसन कुछ अजीब वगरीब कुछ नाम होगा, ठीक है। उस हेडफोन का क्या होगा, कीमत क्या होगा, 300 400 500 या फिर 600 रुपये इसके आसपास होगा। तो मैं आपको एक कहानी बता के एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं और मेरा एक दोस्त, उसके मेरे दोस्त के जो फ़ोन का बैटरी जो है ख़राब हो चुका था, तो उसे चेंज करने के लिए गए। चेंज करने के लिए गए तो फिर उसके पास, दोस्त के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, तो एक शॉप में गए। जाने के बाद कहा कि इसका बैटरी चेंज कर दो, तो उस लोग उस शॉप के जो ओनर थे उन्होंने कहा कितने रुपये में, मेरे दोस्त ने कहा 500। तो उन्होंने एक बैटरी रख के लगा दिया। तो बैटरी जो है ओरिजिनल बैटरी नहीं था, और 500 रुपये में ओरिजिनल बैटरी मिलेगा भी नहीं, और ज़्यादा टिकता भी है ज़्यादा। मेरे उस दोस्त का जो फ़ोन है वो ज़्यादातर चलता भी नहीं, मतलब बैटरी बैकअप जो है अच्छा नहीं देता है। तो आप समझ सकते हो 500 रुपये में एक जो बैटरी है इतना अच्छा नहीं होता है, ये 2 घंटे चलता है, 2-3 घंटे उसके बाद डेथ हो जाता है इस बैटरी का। तो आप जब 500 रुपये में एक ब्लूटूथ हेडफोन खरीदोगे या फिर इससे कम दाम में खरीदोगे तो कैसे चलेगा भाई, कुछ समझो। आपका वहाँ पर क्या क्या है, ब्लूटूथ स्पीकर पहले तो, उसके बाद ब्लूटूथ जो डिवाइस कनेक्ट होता है वो है, माइक है, कितने कुछ है। 500 रुपये में आपको दे रहा है तो समझो उसके में कुछ लोचा है। जो बड़े बड़े हेडफोन बनाते हैं जो 2000 के या फिर JBL के जो हेडफोन होते हैं, वो हेडफोन जो है उन लोगों को पता है भाई मार्केट में 500 200 300 रुपये में भी हेडफोन अवेलेबल है, फिर भी लोग ज़्यादातर लोग वो JBL के क्यों खरीदते हैं, क्योंकि उन लोगों को अच्छी क्वालिटी चाहिए, एक अच्छा मतलब सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी 1000-2000 क्यों ज़्यादा लेते हैं हमसे, क्योंकि वहाँ पर सेफ है, वो आपके कान में फटेगा नहीं। और जो 300-500 में मिलता है वो तो आप बेल्जियम समझ ही चुके हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर। और भाई आपके घर में कोई जेनेरिक वाले हेडफोन हुआ या फिर आप जेनेरिक वाले हेडफोन खरीदने के सोच रहे तो आप एक काम कीजिए, अपनी सोच और हुआ तो जो हेडफोन है वो सबको एक साथ कीजिए। करने के बाद कार से उसे कुचल दीजिए, कार नहीं है आपके पास तो साइकिल से कुचल दीजिए, मतलब मेन बात तो है कि उसे कुचल दीजिए। कुचल मतलब तोड़ मोड़ फोड़ जो चाहे वो कर दीजिए, क्योंकि जो जेनेरिक वाले हेडफोन होते हैं, मतलब जेनेरिक मतलब जिसका कोई ब्रांड नेम नहीं होता है या फिर ऐसा कुछ नेम होता है जो आप कभी सुने ही नहीं, वो जो हेडफोन होते हैं आपके कान के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, मतलब कान खराब हो जाते हैं। ऐसे इंडिया के एक मतलब रिसर्च में रिजल्ट में ऐसा रिसर्च किया एक टीम ने, अगर पता चला बहुत सारे लोगों को हेडफोन इस जेनेरिक वाले हेडफोन पहनने गाना सुनने के लिए उन लोगों का कान जो है ख़राब हो रहे हैं। सो आप जेनेरिक वाले हेडफोन यूज़ करते हैं तो उसे निकाल लीजिए और फेंक दीजिए। आप खरीदने के सोच रहे हैं तो उसे फेंक दीजिए, जिसकी कोई ब्रांड नेम नहीं है पर है तो कोई अकबर बकरम मतलब ठीक, आप कभी सुने नहीं है ऐसा नेम, ठीक है। बहुत सारे मिल जाएंगे आपको अमेजन फ्लिपकार्ट में, और आप खरीदने के सोच रहे हैं तो फिलिप्स JBL ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड का खरीदीजिए, क्योंकि उन लोगों के पास मतलब सेफ्टी के लिए वजह होती है, क्वालिटी सर्विसेज चेक होती है कि ये हेडफोन आपके लिए सही है या फिर गलत, कान की कोई नुकसान कानों की कोई नुकसान करेगा या फिर नहीं करेगा, ये सब चेक करके देते हैं। और जो चाइनीज़ वाले होते हैं जो कि चाइनीज़ धमाधम बांधते हैं और इंडिया में बेचते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं, कभी फंस सकते हैं आपकी कान को उड़ा सकते हैं, और फिर बताएं फिर सोचेंगे कि अरे भाई मेरे तो कान में फट गया कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। सो वीडियो को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, लगा दूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। और एक बात मैं तो बताना भूल ही गया कि एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि फिल्मोरा गो का जो वाटर मार्क है उसे कैसे हटाते हैं, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक वीडियो है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ पहले, सेव हो रहा है, मैं सेव करने के बाद फिर से वीडियो को चालू करता हूँ। जैसे कि मैंने ये वीडियो जो है सेव कर लिया है, आप दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए जो यहाँ पर आखिर में वाटर मार्क आ रहा है, इसको क्या करेंगे आप पहले इसको स्टॉप कर लीजिए, यहाँ पर 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ट्रिम का एक ऑप्शन है, ट्रिम कर लीजिए, उसके बाद जो है आप इसको 5 सेकंड तक जो है क्रॉप कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 सेकंड तक क्रॉप कर दिया है,
5 सेकंड तक क्रॉप कर दीजिए, कर दीजिए, इसके बाद सेव पे क्लिक कर दीजिए। एवर सेव में क्लिक कर दिया है मैंने, सो वीडियो जो है सेव हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहले वाला वीडियो है, अभी सेव हुआ वीडियो है, सो इसको मैं है अभी दिखाता हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा। और किसी किसी मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं है, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो ट्रिमर करके, ठीक है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है। ओके, मुलाकात होगी मेरे दूसरे वीडियो में, तब तक।